हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम जल्दी ही मास्टर ऑफ हॉरर्स के और भी एपिसोड लेकर आएंगे, क्योंकि मास्टर ऑफ हॉरर्स के पिछले वीडियो पर आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बस उन्हीं एपिसोड्स पर वीडियो बनाऊँगा जो कि मुझे लगता है कि ये व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आज के हमारे इस वीडियो का नाम है जेनिफर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और थ्रिलिंग माना गया है, जिसे आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। स्टार्टिंग में दो पुलिस ऑफिसर अपनी कार में बैठकर लंच कर रहे थे। फिर उनमें से एक ऑफिसर, जिसका नाम फ्रैंक था, उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि एक लड़की को चॉपर से काटने जा रहा था। फ्रैंक उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उस बेचारी लड़की को काटने ही वाला था और मजबूरी में आकर फ्रैंक को उस आदमी के ऊपर गोली चलाना पड़ती है। मरने से पहले वो आदमी फ्रैंक को कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बस एक ही शब्द कह पाता है, जेनिफर। फ्रैंक को थोड़ा अजीब लगता है और वो जब उस लड़की के हाथ खोलता है तो उसे देख कर चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की की आँखें और चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फ्रैंक जब उस लड़की के हाथ खोल रहा था तो उस लड़की का नाखून फ्रैंक के हाथ पर लग जाता है और उसका निशान उसके हाथ पर आ जाता है, जिसके बाद में फ्रैंक उस लड़की को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद फ्रैंक का सीनियर ऑफिसर उसे छुट्टी लेने को कहता है, क्योंकि यह उसका पहला इनकाउंटर था और इसका उसके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ सकता था। पुलिस को जेनिफर और उस आदमी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती जो कि उसे मारने वाला था। उस लड़की जेनिफर का चेहरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, या यूँ कहें कि पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जैसे कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि राक्षस हो। फिर फ्रैंक अपने घर पर जाता है, जहाँ पर पहले वो अपने पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची एनी को हाय कहता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फ्रैंक अपनी वाइफ रूबी को आज हुए हादसे के बारे में बताता है और फिर दोनों डिनर करते हैं, जिसके बाद में फ्रैंक बाथरूम में अपने हाथ धोने चला जाता है, जहाँ पर उसे कट का निशान लगा हुआ था। फ्रैंक के हाथ पे जब से वो कट लगा था उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है और दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। फ्रैंक अपनी पत्नी के साथ में बिस्तर में होता है, लेकिन उसे बस जेनिफर और आज हुए हादसे के बारे में विचार आते हैं, जिससे कि उसकी पत्नी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन फ्रैंक पुलिस स्टेशन में जाकर जेनिफर के बारे में पता करता है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन जाने पर यह पता चलता है कि जेनिफर को मारने वाला आदमी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो कि कुछ समय पहले कंगाल हो गया। जेनिफर कुछ भी बोल या समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे पागलखाने भेज दिया और ये जानने के बाद में फ्रैंक बहुत ही नाराज होता है। फ्रैंक उस पागलखाने में जाता है जहाँ पर जेनिफर को रखा गया था, और उस पागलखाने में फ्रैंक और वहाँ के स्टाफ ये देखकर चौंक जाते हैं कि जेनिफर का शरीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसका चेहरा उससे कई ज़्यादा डरावना। जेनिफर फ्रैंक को पागलखाने में देखकर उससे लिपट जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है ताकि वो जल्दी ही जेनिफर के लिए एक अच्छा सा घर ढूँढ सके। फ्रैंक जेनिफर को अपने घर में सुलाने के बाद खुद भी उसके रूम में चला जाता है, जिसके बाद वहाँ फ्रैंक की पालतू बिल्ली जेनिफर को गुर्राती है और जेनिफर उसे अपना एक अलग ही रूप दिखाती है। रात के समय जब फ्रैंक गहरी नींद में होता है तो उसके सपनों में बस जेनिफर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मानो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो। फिर अचानक फ्रैंक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में जेनिफर खड़ी है, वो भी बिना कपड़ों के, जिसे देखकर वो और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। फ्रैंक अपनी पत्नी और अपने बेटे को समझाता है कि जेनिफर मेंटली डिस्टर्ब है और जेनिफर के खराब चेहरे के कारण उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। जेनिफर को बस कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए थी, जिसके बाद वो उसे एक अच्छी जगह पर छोड़कर आ जाएगा। और तभी इतने में जेनिफर फ्रैंक की वाइफ रूबी को किस करके उसके होठों को काट लेती है। अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को अपनी कार में बैठाकर दूर दराज छोड़ने जाता है कि कोई उसे अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन रास्ते में जेनिफर फ्रैंक को सेड्यूस करती है और वो कार में ही फ्रैंक के साथ में फिजिकली इंटीमेट होती है।
फिर रात के समय फ्रैंक वापस से जेनिफर को अपने घर ले आता है क्योंकि उसके पास पर रहने की कोई भी जगह नहीं थी। फ्रैंक की वाइफ जेनिफर को बस एक रात के लिए रहने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन जेनिफर वहाँ पर उनकी पालतू बिल्ली को मार देती है और उसे सबके सामने खा जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और फ्रैंक की वाइफ अपने बेटे को लेकर उस घर से चली जाती है, जिससे कि फ्रैंक जेनिफर पर बहुत नाराज होता है और उसे डांटता भी है, लेकिन जेनिफर कुछ भी बोल नहीं सकती थी, वो बस रोए जाती है। फिर रात होने पर फ्रैंक अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आती है और उसके शरीर को चाटने लगती है। जेनिफर फ्रैंक को अपने बिगड़े हुए चेहरे से ही पैशनेटली किस करती है, जिसे फ्रैंक रोक नहीं पाता और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके दौरान जेनिफर बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करती है। फिर अगले दिन फ्रैंक के पड़ोस में रहने वाली एमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर को एमी से कुछ और ही चाहिए था। फ्रैंक रात में हुए हादसे के बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है और स्ट्रेस में आकर शराब भी पीता है। फिर जब फ्रैंक अपने घर पर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि नीचे बेसमेंट में अजीब सी आवाज़ें आ रही है, और जब वो वहाँ पर चेक करने जाता है तो ये देखता है कि जेनिफर किसी इंसान की बॉडी को चबा रही है, और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची एमी की थी। फ्रैंक जेनिफर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेनिफर फ्रैंक को बहुत ही आसानी से फुसला लेती है, जैसे कि उसने फ्रैंक पर कोई जादू कर दिया हो। अगले दिन फ्रैंक एक सर्कस ओनर के पास में जाता है और वो उससे कहता है कि वो जेनिफर को ले जाए, क्योंकि सर्कस में ही अजीब अजीब दिखने वाले लोगों को रखा जाता है। फिर जब फ्रैंक अपने घर पर पहुँचता है तो उसे ये पता चलता है कि जेनिफर ने उस सर्कस वाले आदमी को पहले ही मार दिया है और उसे मारकर फ्रिज में रख दिया है। जेनिफर ने अब दो लोगों को मार दिया था, और फ्रैंक जल्दी से उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाता है और जेनिफर को लेकर शहर से दूर निकल जाता है, जहां पर फ्रैंक जंगल के एक बंद पड़े केबिन में जेनिफर को रखता है, और यहाँ भी जेनिफर उसे सीड्यूस करके फिजिकली इंटीमेट होती है। फिर फ्रैंक उस जंगल से कुछ दूर एक टाउन में छोटी मोटी जॉब ढूंढने जाता है, ताकि वो यहाँ पर अपना और जेनिफर का गुजारा कर सके। फिर फ्रैंक को जंगल के पास ही एक टाउन में रोज़ नाम की लेडी की ग्रोसरी शॉप में हेल्पर की जॉब मिलती है, जहाँ पर फ्रैंक उस लेडी की मदद करने का काम करेगा। फिर फ्रैंक अपना आज का काम ख़त्म करता है और घर जाते समय जेनिफर के लिए कुछ खाने के लिए ले जाता है, लेकिन जेनिफर की भूख इतने से खाने में कहाँ मिटने वाली थी, उसे तो मांस खाना था, वो भी इंसानी मांस। अब फ्रैंक अगले दिन फिर अपनी जॉब पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि रोज का बेटा जैक किसी पार्टी में जाने वाला था, जो कि एक लेट नाइट पार्टी थी, और जैक की जगह फ्रैंक को उसका काम करना था। फ्रैंक रोज का हेल्पर था और काम के दौरान वो उसके थोड़ा नज़दीक आ जाता है, जिसे जेनिफर दूर से देख लेती है, और ये देखकर जेनिफर को बहुत ही ज़्यादा जिलस फील होता है। यहाँ फ्रैंक अपनी लेट नाइट जॉब कर रहा था और उधर जैक अपनी पार्टी में था। पार्टी के दौरान जैक बाथरूम करने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर वो एक लड़के को बैठा हुआ देखता है, जो कि उसे देखकर जंगल में भाग जाती है, और जैक भी उस लड़की के पीछे पीछे भाग जाता है। काफ़ी दूर भागने के बाद में वो लड़की एकदम से जंगल में रुक जाती है, और जैक उस लड़की के शरीर को पीछे से छूने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़की जैसे ही पलटकर उसे देखती है तो जैक उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि जेनिफर थी। अब यहाँ पर फ्रैंक देर रात को अपनी जॉब से छूटने के बाद में जंगल वाले केबिन में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे जेनिफर कहीं भी नहीं दिखाई देती, और फ्रैंक को फिर से बेसमेंट के अंदर से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती है, जिसे सुनने के बाद में फ्रैंक जब उस बेसमेंट की ओर जाता है तो वो ये देखता है कि जेनिफर जैक को मार चुकी है और उसके शरीर को खा रही है। फ्रैंक जेनिफर की इस हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जेनिफर के हाथ को बांधकर उसे जंगल में लाता है और उसे पेड़ से बांध देता है। फ्रैंक जेनिफर से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था और वो उसे मारने के लिए उसे कुल्हाड़ी से काटने वाला था, लेकिन तभी जंगल में एक शिकारी
फ्रैंक को जेनिफर को मारता हुआ देख लेता है। शिकारी को ये लगता है कि जेनिफर बहुत ही बड़ी परेशानी में है और फ्रैंक उसे मारने वाला है। वो शिकारी तुरंत अपनी बंदूक से फ्रैंक पर गोली चला देता है और मरने से पहले फ्रैंक बस एक ही शब्द बोलता है, जेनिफर, जिससे कि हमें यह समझ आ जाता है कि शुरुआत में वो आदमी जेनिफर को क्यों मारना चाहता था। अब वो शिकारी जेनिफर को बचाता है और जेनिफर उसे ठीक वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कि उसने पहले फ्रैंक को किया था। और ये एपिसोड इसी के साथ में यही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जेनिफर की कहानी, जो कि एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान थी। जब फ्रैंक ने जेनिफर को बचाया था तो उससे जेनिफर का नाखून लग गया था और शायद ये हो सकता है कि इसी के कारण फ्रैंक जेनिफर से दूर नहीं जा पा रहा था। फ्रैंक को सोते जागते बस जेनिफर ही दिखाई दे रही थी, या यूँ कहें तो जेनिफर ने फ्रैंक को अपने वश में ऐसे कर लिया था कि उसने अपने परिवार और पुलिस की नौकरी को छोड़कर जेनिफर के साथ रहने का ही फैसला कर लिया, जबकि जेनिफर कोई इंसान थी ही नहीं। फ्रैंक ने जेनिफर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मदद के बदले में उसका सब कुछ चला गया। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।